एसीबी मुख्यालय को पिछले दिनों सूचना मिली थी कि एसओजी अजमेर के अंदर एनडीपीएस से संबंधित प्रकरण दर्ज है, जिसके अंदर परिवादी है, उसका भी निर्दोष होते हुए उसको उसका नाम नहीं रखने के एवज में उससे 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। जो परिवादी की जो रिपोर्ट थी उसके बाद में हमारे द्वारा उसमें वेरिफिकेशन करवाया गया। परिवादी का ये कहना था कि जब वो वहाँ पे गया और जो एसओजी की अधिकारी है श्रीमती दिव्या मित्तल, उन्होंने अपने एक जो दलाल है उनको उनका फोन आने के लिए बोला और दलाल के फोन आने के बाद में वो वहाँ से रवाना होके और उसको फोन आया तो उसको उदयपुर बुलाया गया, जहाँ भी जहाँ की जो एसओजी की एडिशनल एसपी है उनका जो रिसोर्ट और फार्म हाउस है वहाँ पे दलाल था, उसने उनको डरा धमका के जो 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी और बाद में उसने 2 करोड़ रुपए देने में असमर्थता जाहिर की, तो फिर उसने कहा 1 करोड़ से कम नहीं लगेगा। उसके बाद में परिवादी हमारे पास आया और उसने रिपोर्ट दी, हमने वेरिफिकेशन करवाया और वेरिफिकेशन के बाद में चूँकि परिवादी का जो दलाल था वो उदयपुर से यहाँ पैसे लेने के लिए आ भी गया था लेकिन उस दिन कार्रवाई नहीं हो पाई। आज हमने कोर्ट से वारंट लेके और इनके 5 स्थान है जिनके अंदर सर्च की कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई अभी जारी है। कार्रवाई के बाद में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद में हम सूचित करेंगे। दिव्या मित्तल कहाँ पर? हाँ, वो उनका यही रेजिडेंस है एआरजी सिटी के अंदर, जिसके अंदर अभी सर्च चल रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। ऑफिस पे भी कार्रवाई चल रही है सर? किस हाँ, ऑफिस के अंदर भी कार्रवाई चल रही है। एसओजी का जो ऑफिस है वहाँ पे इनसे संबंधित जो पत्रावलियाँ हैं उनके अंदर उनकी जो कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा इनका जो रिसोर्ट है वहाँ उदयपुर के अंदर उसके अंदर कार्रवाई चल रही है। इनका एक फ्लैट है जयपुर के अंदर उसमें कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा चिड़ावा के अंदर इनका घर है वहाँ पे भी कार्रवाई चल रही है। कितने लंबे समय से निगाह रखी जा रही थी सर? काफी दिनों से निगाहें थी और उसके आधार पे अब कार्रवाई चल रही है। परिवादी पहली बार कब आया था सर एसीबी के पास? परिवादी आया था कुछ दिनों पहले और उसके बाद में हमने जो भी उसमें नियमानुसार कार्रवाई होती है। तो ये अकेले ही है या फिर इसमें और भी कोई लोग शामिल हैं या किसी और के भी अब तक सामने नाम आए हैं कुछ? अभी जो इन्होंने इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, इन्होंने रिश्वत ये कहते हुए ली थी कि बार बार इनसे जब बातचीत की गई तो इन्होंने कहा मुझे ऊपर